नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के चैनल में और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुँचाए आपका प्यार। राजधानी बनाने से नहीं मिलेगा कोई लाभ, कैबिनेट में ही तय होगा कि राजधानी पर कितना होगा खर्च, कहा पॉल सिंह ठाकुर ने। बार एसोसिएशन मंडी में चुनावों में प्रधान पद पर हुआ टाई, पहली बार दो लोगों को मतदान के माध्यम से चुना गया प्रधान। एडवोकेट संजय मंडियाल और पंकज ठाकुर को मिले एक बराबर वोट। 60 वर्ष बाद नाले में बनी सड़क पर मेटलिंग का इंतजार, संधोल बाजार के लोगों को फांकनी पड़ रही है धूल मिट्टी, मौजूदा सरकार नहीं दे रही है इस तरफ कोई ध्यान। और हमीरपुर में बसंत रिजॉर्ट का हुआ विधिवत शुभारंभ, 1500 लोगों के बैठने की क्षमता से सुसज्जित है बसंत रिजॉर्ट। स्वास्थ्य एवं राजस्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर का कहना है कि धर्मशाला में दूसरी राजधानी बनाने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। ये बात उन्होंने रविवार को मंडी में एक समारोह में शिरकत करने के उपरांत पत्रकारों के साथ बातचीत में कही। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में दूसरी या तीसरी राजधानी बनाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि यह विषय कैबिनेट में चर्चा के लिए आने वाला है और उसके बाद ही तय होगा कि राजधानी पर कितना खर्च आएगा और क्या इसकी आगामी रूपरेखा होगी। वहीं उन्होंने प्रदेश में नए जिलों के गठन की संभावनाओं की बात को भी सिरे से खारिज किया। राजधानी बनाने से दूसरी या तीसरी राजधानी बनाने से कोई फायदा तो होने वाला नहीं है, ठीक है कि नहीं? इससे के जिलों की संभावनाएं बढ़ रहे हैं, नए जिले बनने की? नए जिले बनने की भी कोई संभावना नहीं है। उत्तर प्रदेश और बिहार में 50-50 लाख के जिले हैं और हिमाचल प्रदेश की आबादी 70 लाख की है और हमारे 12 जिले हैं, तो नए जिले बनाने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता, न कहीं से कोई मांग है। अब देखेंगे राजधानी जो जब कैबिनेट में आएगी, इस बात को डिस्कस करेंगे डिटेल में, प्रो एंड कॉन्स डिस्कस करेंगे, फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्या होगी उसको डिस्कस करेंगे, उस पर फिर विचार करेंगे। वहीं प्रदेश में सोमवार को होने वाली डॉक्टरों की हड़ताल पर बोलते हुए स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने डॉक्टरों से हड़ताल पर न जाने का आह्वान किया। कौल सिंह ठाकुर ने डॉक्टरों से अपील की कि छोटी छोटी बातों पर हड़ताल पर चले जाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कानून बना रही है और इस कानून को बजट सत्र के दौरान सदन में पेश किया जाएगा। जो डॉक्टरों के साथ बदतमीजी करते हैं उनके लिए हम कानून अब ला रहे हैं, जो हमारे बजट सेशन में हम उस कानून को पास करवाएंगे। लॉ डिपार्टमेंट को बिल बनाने के लिए मैंने कह दिया है और डॉक्टरों से भी मैं अपील करता हूँ, इन छोटी छोटी बातों पे जो है हड़ताल करना ठीक नहीं है। जब सरकार उनकी मांगों पर पूरा ध्यान दे रही है, लगभग 550 डॉक्टरों की हमने नई पोस्टें सेंक्शन की है, उनको हर किस्म की सुविधा दी जा रही है, तो छोटी सी बात पे कि एक्ट बनाओ जी, एक्ट का प्रोसेस शुरू हो गया, एक्ट विधानसभा में ही पास होगा। मैं फिर आप लोगों के माध्यम से डॉक्टरों से अपील करूंगा कि लोगों की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए और विशेष तौर पे मौसम को ध्यान में रखते हुए वो जो है एक दिन पर छुट्टी पर ना जाए। वहीं इस मौके पर कौल सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन द्वारा लिए गए निर्णय की सराहना की। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में नशीली दवाइयों को बिना डॉक्टर की अनुमति के न बेचने का जो निर्णय लिया गया है वह तारीफ़े काबिल है और इस प्रकार का प्रयास प्रदेश के बाकी जिलों को भी करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। जिला मंडी ब्राह्मण सभा द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सांसद रामशू शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। ब्राह्मण सभा के सदस्यों ने शॉल व टोपी पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर सांसद ने ब्राह्मण सभा के सभी सदस्यों के समक्ष अपने विचार रखे। अब कृष्ण जी तो उनसे देखा अपने साथ बातें करते हैं, लेकिन कृष्ण ने आदेश दे दिए विश्वकर्मा को जाओ सुदामा के घर को बना के आए। विश्वकर्मा जी सुदामा की झोपड़ी में पहुंचे, पत्नी निकली, उसको प्रणाम किया। मैं विश्वकर्मा, भगवान कृष्ण ने मेरे को आदेश दिया है कि तुम्हारे इस घर को मैं नए डिजाइन में बना दूं। सुदामा की पत्नी ने कहा ऐसा भगवान मैं नहीं करूंगी, अपने कृष्ण को बता दो, अगर कृष्ण ने बनाना होगा तो पूरा गांव मेरा निर्माण करो, मेरे घर में मैं अपने
फिर विश्वकर्मा वापस गए केसरीवाल कि भगवान वो सुदामा की पत्नी टसते मस नहीं हो रही है, वो कहती बनाना तो मेरा पूरा गांव बनाओ नहीं तो मेरे घर बनाने की जरूरत नहीं। ये था ब्राह्मण का कितना पूरे समाज की चिंता की, ये सुदामा का काम। बाद में किसी कहता फिर बनाओ भाई, अब सुदामा की पत्नी है उसकी बात तो मानना पड़ेगी, मेरे मित्र की पत्नी है। और फिर विश्वकर्मा जी आया, पूरा गांव ब्लॉक हुआ, पूरा शहर उसको सजाया गया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए इतिहास के पन्ने में ये बात नहीं लिखी, इतिहास के पन्ने ये भी बात, जो अकबर लुटेरा था, औरंगजेब लुटेरा था, बाबर लुटेरा था, इस इतिहास में वो महान बना दिए। सिकंदर महान नहीं बना, छत्रपति शिवाजी महान नहीं बना, चंद्रगुप्त मौर्य महान नहीं बना, जिसके राज में देश आगे बढ़ा। तो जो हमारी परंपरा थी सुदामा वाली परंपरा, मेरी आपसे प्रार्थना रहेगी, मैं तो उस परंपरा से टस मस नहीं हुआ। हमीरपुर के बड्डू बहु तकनीकी संस्थान के मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय T20 क्रिकेट टूर्नामेंट खिताब पर ऊना ने अपना कब्जा जमाया है। फाइनल मुकाबले में ऊना ने बिलासपुर को हराकर अपना वर्चस्व कायम किया है। वहीं ऊना के केशव को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से भी नवाजा गया। 5 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट में प्रदेश के 10 जिलों की टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट के समापन पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने कहा कि खेलों के विकास के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्प है। युवा शक्ति को सही दिशा में ले जाने और प्रदेश की खेल एवं युवा गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष सरकार ने युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के बजट में बढ़ोतरी कर 40 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 6 स्थानों पर 3.5 करोड़ की लागत से खेल स्टेडियमों का निर्माण किया गया है ताकि खिलाड़ियों को अभ्यास की बेहतर सुविधा मिल सके। राजेंद्र राणा ने कहा कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उचित मान सम्मान प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी विभागों निगमों बोर्डों में 3% आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही गत 4 वर्षों में 85 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में रोजगार प्रदान किया गया है। हमीरपुर के पॉलिटेक्निकल कॉलेज के ग्राउंड में पिछले 5 दिनों से हिमाचल प्रदेश T20 क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से प्रदेश स्तर का ये टूर्नामेंट यहाँ पर हुआ है और यहाँ पर सभी जिलों से टीमें आई थी। आज उसका समापन है और मुझे खुशी है इस बात की कि आज ये समापन भी किया जा रहा है और 5 दिन यहाँ पर प्रदेश के जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं उन्होंने हमीरपुर में यहाँ पर अपना प्रदर्शन दिखाया है। इससे कैप्टन आते हुए खेलों को और भी बढ़ावा मिलेगा और यहाँ के नौजवान जो इस टूर्नामेंट को करवा रहे हैं, प्रदेश की एसोसिएशन जो T20 की है वो करवा रही है, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ऐसे टूर्नामेंट हर जगह होने चाहिए ताकि नौजवान जो है नशों की तरफ ना मुड़ें और अपनी सेहत का ध्यान रखें और देश के लिए काम करें। इससे पहले T20 क्रिकेट एसोसिएशन के राज्य अध्यक्ष संजीव पठानिया ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए टूर्नामेंट के बारे में विस्तार से जानकारी दी। क्रिकेट का फाइनल मैच ऊना और बिलासपुर के बीच हो रहा है। ये पिछले 7 दिनों से ये टूर्नामेंट चल रहा था, स्टेट लेवल का ये टूर्नामेंट है जिसमें 10 टीमों ने भाग लिया। ये हिमाचल प्रदेश क्रिकेट T20 क्रिकेट एसोसिएशन के नाम से ये संस्था है जिसके अंतर्गत ये मैच करवाए जा रहे हैं यहाँ पे। आज ये फाइनल मैच ऊना और बिलासपुर के बीच है जिसका अभी मुख्य अतिथि जी यहाँ पहुँचे हैं, राजेंद्र राणा जी, वो समापन इसका करेंगे। बता दें कि इंचियोन साउथ कोरिया में आयोजित 17वें एशियाई खेलों में 5 अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें अजय ठाकुर, पूजा ठाकुर, कविता, विजय कुमार, समरेश जंग को नगद पुरस्कार दिया गया है। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। जिला बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में प्रधान पद का परिणाम पहली बार टाई हुआ है। इस पद पर संजय मंडयाल और पंकज ठाकुर को बराबर मत मिले हैं। वे दोनों ही 6-6 महीने के लिए प्रधान पद पर आसीन होंगे। जिला बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव का आयोजन किया गया। वार्षिक चुनाव में प्रधान पद का परिणाम पहली बार टाई हुआ है। इस पद पर संजय मंडयाल और पंकज ठाकुर को बराबर मत मिले हैं। वे दोनों ही 6-6 महीने के लिए प्रधान पद पर आसीन होंगे। बार एसोसिएशन के चुनाव आयुक्त ललित कपूर, हितेश बहल, प्रीतम ठाकुर और खेमराज ने शनिवार देर शाम को चुनाव परिणामों की घोषणा की। इसमें प्रधान पद पर संजय मंडयाल और पंकज ठाकुर के 96-96 मत लेने से मुकाबला बराबरी पर छूटा, जबकि दिनेश सकलानी ने 172 मत लेकर उपाध्यक्ष पद जीता है। महासचिव पद पर अंशुल गुलेरिया और सहसचिव पद पर संजय कुमार ने 183 मत लेकर जीत हासिल की है। बार एसोसिएशन के इन पदों के लिए शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई।
एसोसिएशन के करीब 450 अधिवक्ताओं में से 303 सदस्यों ने मतदान में भाग लिया। देर शाम को मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतगणना के बाद इन पदों के परिणामों को घोषित किया गया। इधर नव निर्वाचित प्रधान पंकज ठाकुर और संजय मंडयाल व सभी पदाधिकारियों ने कहा कि वह अधिवक्ता सदस्यों की अपेक्षाओं पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि बार और बेंच के बीच समन्वय बनाकर कार्य किया जाएगा। उन्होंने एसोसिएशन के सभी सदस्यों को अपना समर्थन देने के लिए आभार व्यक्त किया। मैं बार मेंबर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और उसके बाद जब हमारा कार्यकाल शुरू होगा तो हम उनकी समस्याओं को अच्छे ढंग से निपटाने की कोशिश करेंगे, प्राथमिकता दी जाएगी। मैं बार एसोसिएशन मंडी का जो है हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने जो मेरे को 6 महीने के लिए जो प्रधान नियुक्त किया है मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ और सभी बार मेंबर्स और आम जनता को ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम विधिक सेवाएं जो है पूर्व की भांति जो है सबसे सही और उत्तम ढंग से जो है आम जनता को देने की पूरी कोशिश करते रहेंगे और जो बार मेंबर्स हैं उनके जो कल्याण के लिए जो हमारी एग्जीक्यूटिव से बन पड़ेगा उसे अधिक करने की कोशिश करेंगे। अब आगामी 1 मार्च को नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी पडल कोचिंग सेंटर में आर्मी जीडी क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी डीएसपी की कोचिंग स्टार्ट हो गई है। इसके साथ ही शॉर्टकट कोचिंग मेथोलॉजी फॉर जीके, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल साइंस, टॉपिक वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट की तैयारी भी करवाई जाती है। तो सुनहरी भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें सचदेवा कॉलेज मंडी, हिमाचल प्रदेश। उपायुक्त संदीप कदम ने मंडी जिला के रमणीक स्थलों पर आ रहे पर्यटकों से आह्वान किया है कि मौसम की जानकारी प्राप्त कर ही वे ऊंचाई वाले क्षेत्रों का भ्रमण करें। उन्होंने कहा कि मौसम के साफ रहने पर भी इन क्षेत्रों का भ्रमण करते समय पूरी सावधानी बरतें। उपायुक्त संदीप कदम ने कहा कि वर्तमान मौसम में मंडी जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी है। भारी बर्फबारी वाले क्षेत्रों में सभी आवश्यक सेवाएं बहाल करने में जिला प्रशासन निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि वर्तमान मौसम के दौरान बाहरी क्षेत्रों से काफी संख्या में पर्यटक मंडी जिला के रमणीक स्थलों पर आ रहे हैं। उन्होंने पर्यटकों विशेष तौर पर साहसिक पर्यटन एवं ट्रैकिंग इत्यादि के शौकीन सैलानियों से आह्वान किया कि वे मौसम की पूर्ण जानकारी हासिल कर ही इन स्थानों का भ्रमण करें। उन्होंने कहा कि मौसम के साफ रहने पर भी इन क्षेत्रों का भ्रमण करते समय पूरी सावधानी बरतें। उन्होंने कहा कि पर्यटकों की सुविधा के लिए प्रशासन द्वारा भी समुचित प्रबंध किए गए हैं और उनसे आग्रह है कि वे स्थानीय प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी चेतावनियों पर समुचित ध्यान अवश्य दें ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना इत्यादि से बचाव हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। एक तो सड़क के लिए 60 वर्षों का इंतजार करना पड़ा और अब जब नाले के बीच चैनलाइजेशन करके सड़क का निर्माण किया गया तो फिर उस पर मेटलिंग करने में देरी की जा रही है। नतीजतन ग्रामीणों को कच्ची सड़क के कारण उड़ने वाली धूल मिट्टी को फांकने पर मजबूर होना पड़ रहा है। आप देखिए खोखले विकास के दावों की सच्ची कहानी। मंडी और हमीरपुर जिला की सीमाओं पर बसा हुआ है संधूल गांव। इस गांव का बाजार आसपास की दर्जनों पंचायतों का मुख्य बाजार है और इसी बाजार से होकर गुजरती है संधूल सोहर सड़क। करीब 18 किलोमीटर की लंबाई वाली इस सड़क की शुरुआत संधूल बाजार से होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि संधूल बाजार को 60 वर्षों तक सड़क के बिना रहना पड़ा और यहाँ से बहने वाले नाले से ही यहाँ के वाहन गुजरते थे। सरकारों को इतने लंबे समय के बाद यहाँ के बासिंदों पर दया आई तो नाले का चैनलाइजेशन करवाकर एक तरफ सड़क का निर्माण कर दिया गया, लेकिन जो सड़क बनी है उस पर मेटलिंग करने में देरी की जा रही है। नतीजतन सड़क के आसपास रहने वालों का जीना दुश्वार हो गया है और उन्हें रोजाना धूल मिट्टी फांकनी पड़ रही है। ग्रामीण इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि सरकार उनके साथ इस प्रकार का भेदभाव क्यों कर रही है।
पहले सड़क देने में देरी की गई और अब उस पर मेटलिंग करने में देरी की जा रही है। मेरी सर 62 साल उम्र हो गई, लेकिन जब से मैं यहाँ देख रहा हूँ तब से लेकर के आज दिन तक इस सड़क की हालत हमने ऐसी देखी है। क्या लगता है आपको, क्यों इसे पक्का नहीं किया जा रहा है? ये तो सरकार जाने कि क्या हमारे धौलवासियों के साथ क्या दुश्मनी है सरकार की। पिछली सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने थोड़ा सा कम मतलब काम किया था, दीवार वगैरह लगा करके थोड़ा सा उसे चलने लायक बना दिया, अदरवाइज ये नाले में ही चलते थे। अब तो थोड़ा सा चलने में रात हो गई है, लेकिन हालत फिलहाल बहुत खस्ता है, आप देख तो रहे हैं। कई सरकारें कही गई, पहली बात तो ये नाले में ही चलती थी, उसके बाद इसके लिए कुछ पैसे का प्रावधान किया गया कि इसको पक्का किया ना वो किया जाए, लेकिन आज तक इसको किसी ने कुछ नहीं किया। अभी जो थोड़ा सा काम हुआ है ये भी अभी कुछ दिन पहले हुआ है, अभी भी ये कच्ची है, बरसात में फिर इसका वही हाल हो जाता है। कभी आपने विभाग के पास पूछा होगा? कई बार विभाग के पास, विभाग कई बार आए, कई बार इन्होंने किया पर किया कुछ नहीं। वहीं जब हमने इसके बारे में धरमपुर मंडल के अधिशांशी अभियंता इंजीनियर सुधीर मित्तल से बात की तो पता चला कि अभी सड़क की मेटलिंग के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है, डीपीआर बनाकर मंजूरी के लिए सरकार को भेजी जाएगी और उसके बाद कहीं जाकर इसकी स्वीकृति आने के बाद मेटलिंग का कार्य शुरू हो पाएगा। उसके सुधार के लिए बेसिकली इस समय हम शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान में उसका वर्क कर भी रहे हैं और इसमें हमने जो आपका जो बीच में नाला चलता था उसको हमने एक चैनलाइज भी किया है, ट्रेनिंग स्ट्रक्चर लगा के सड़क एक तरफ कर दी, नाला की तरफ कर दिया गया है। और दूसरा ये सड़क जो है वो संधोल सोर के नाम से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में भी पड़ती है, तो बैच स्टेज टू के लिए हमने इसकी डीपीआर हम इसकी बना रहे हैं, इसका डाटा हमने ले लिया है, उस तक जो हमने इसकी डीपीआर भेजनी है बना के कोशिश करेंगे कि हम इसमें इसकी अप्रूवल ले लें। यह सड़क की कहानी हमें बताती है कि प्रदेश में विकास कार्यों को कितनी प्राथमिकता और गंभीरता से किया जाता है। पहले सड़क बनाने में वर्षों बीत गए और अब उस पर मेटलिंग करने में न जाने कितने वर्ष और बीत जाएंगे। मौजूदा सरकार के कार्यकाल में यह कार्य पूरा हो जाए इस बात के संकेत कम ही दिखाई दे रहे हैं, यानी कि बात जाहिर सी है कि सड़क का पक्का करने का वादा यहां के नेता अपनी चुनावी जनसभाओं में जरूर करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रिंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान, यहां आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। ब्रिंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहां ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। ब्रिंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। ब्रिंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है, तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे ब्रिंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। प्रदेश हिमाचल आपदाओं की दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है। आपदाओं को नहीं रोका जा सकता, लेकिन आपदा के बाद जान माल का नुकसान कम हो इसकी तैयारी करना जरूरी है, जिसका उदाहरण सीनियर सेकेंडरी स्कूल पंडो में देखने को मिला, जहां फायर टीम मंडी ने आपदा प्रबंधन को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया। सीनियर सेकेंडरी स्कूल पंडो में जिला स्तरीय मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। फायर टीम ने स्कूली बच्चों व लोगों को आग से निपटने की जानकारी दी। कर्मचारियों ने किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए मॉक ड्रिल के माध्यम से राहत एवं बचाव कार्य में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के बारे में भी जानकारी दी और मानवीय आपदाएं, न्यूक्लियर आपदा, त्रासदी, भागदौड़, अग्निकांड, प्राकृतिक आपदाएं, भूमि कटाव, बाढ़, साइक्लोन, भूकंप आदि आपदाओं से बचाव व राहत के बारे में उपस्थित बच्चों व लोगों को जागरूक किया, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की आपदा के समय होने वाले नुकसान को कम किया जा सके।
वहीं स्कूल प्रधानाचार्य ने जानकारी प्रदान करने के लिए फायर टीम का आभार जताया। इस पाठशाला के लिए और यहाँ के जो बच्चे हैं स्कूल के और जो अभिभावक हैं उनके लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारी इस पाठशाला को जिला स्तरीय ये जो मॉक ड्रिल करवाई गई है फायर और इसकी वैकेशन के बारे में बच्चों को बताया गया है, इससे अवगत करवाया है। और इसमें विशेष तौर पर जिला मंडी के जो डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर हैं मिस्टर PSN, इनके द्वारा विस्तार पूर्वक बच्चों को बताया गया और किस तरह से बच्चों ने निकलना है बाहर अगर इस तरह कोई डिजास्टर की कोई हमें आता है उसमें, और विशेष तौर पर जो हमारे मिड डे मील के जो वर्कर्स हैं उनको विशेष परिस्थितियों में अगर कहीं आग लगती है तो उसको किस तरह से बुझाया जाएगा, इसके बारे में अवगत करवाया। हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है और यहाँ की जनता के लिए, बच्चों के लिए, हम चाहेंगे इस तरह के आयोजन भी आगे होते रहें। इसके साथ साथ ही आज एक और कार्यक्रम हमारी इस पाठशाला में होने जा रहा है जिसमें माननीय उपायुक्त जिला मंडी श्री संदीप कदम जी के दिशा निर्देशों के द्वारा आज हमारी इस पाठशाला में शिक्षा संवाद के ऊपर एक कार्यक्रम होने जा रहा है जिसमें हमारी पाठशाला के सभी बच्चों के अभिभावक और पंचायत प्रधान और महिला मंडल के जो मेंबर्स हैं उनको हमने बुलाया है और शिक्षा के प्रति किस तरह से उसका उत्थान हो और स्थानीय जनता का सहयोग किस तरह से रहेगा इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश आपदाओं के साथ साथ भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है। हिमाचल के कांगड़ा में 1905 में भयानक भूकंप देखा गया है जिसमें 20,000 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। छोटे छोटे मकानों के स्थान पर कंक्रीट की बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो चुकी है और अब जनसंख्या भी कई गुना बढ़ चुकी है। ऐसे में यदि उस तरह का भूकंप आता है तो सभी तैयारियां धरी की धरी रह जाएंगी, इसलिए सभी को बचाव व राहत के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। के चैनल के लिए पंडो से देशराज ठाकुर की रिपोर्ट। वीरभूमि हमीरपुर वासियों की इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली है क्योंकि नगर वासियों का बसंत रिजॉर्ट पूरी तरह बनकर तैयार हो गया है। शनिवार रात को रिजॉर्ट का शुभारंभ धूमधाम के साथ किया गया। हमीरपुर में बसंत रिजॉर्ट का विधिवत रूप से शुभारंभ कर दिया गया। धर्मशाला शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर हमीरपुर में पहाड़ी पर निर्मित रिजॉर्ट अपने आप में एक अजूबा है जो कि दूर दूर से देखने वालों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। शनिवार देर रात को विधिवत अस्तित्व में आने के शुभारंभ अवसर पर विख्यात पंजाबी गायक मनकीरत सिंह व वगुनियावुक विश्व रिकॉर्ड होल्डर फायरमैन जस्सी ने प्रत्यक्ष बैंड स्पार्क डांस ग्रुप के साथ शुभारंभ संध्या को आकर्षक बनाया। सारी दुनिया नू नचा के जावांगे और बसंत रिजॉर्ट जो आपने अभी देखा देखो लाइटिंग देखी है बहुत ही बसंत रिजॉर्ट वाले नू पहला था इन्ना खुशी के मौके पे मेनू बुलाया मैं पहला था थोड़ा धन्यवाद ते बाकी रौनक लाने जी ते आज इदा उद्घाटन हो रहा ते ओते आर्टिस्ट मनकीरत औलक लगा सो बढ़िया है बसंत। इस मौके पर बसंत रिजॉर्ट परिवार के निदेशक तरुण कालिया ने बताया कि रिजॉर्ट में बार, रेस्टोरेंट, बैंकेट हॉल व 1500 लोगों के बैठने की क्षमता से सुसज्जित है। सुविधाएं तो अनन्य हैं, लेकिन इनका सदुपयोग व मेहमानों का आशीर्वाद वातावरण में सतरंग बिखेरेगा, ऐसी आशा को लेकर बसंत रिजॉर्ट अपनी यात्रा आरम्भ कर रहा है। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। यह रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ।